वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आज फिर वेदर बहुत अच्छा, लेकिन बारिश नहीं है। 4 डेज तो हो गए कंटिन्यू बारिश है, लेकिन आज बहुत अच्छा वेदर है। क्लाउडी है बट रेनी नहीं है, सो दैट्स गुड। और अब इस टाइम ये टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 नहीं 12:15 हो गया। मैंने आज लेट व्लॉग स्टार्ट किया, उठ तो मैं सुबह की गई थी, लेकिन मैंने बस व्लॉग अभी शुरू किया है। और अभी हमने नमाज़ पढ़नी है और फिर एक मजलिस में जाना है। आज लास्ट मजलिस है। और कल तो जब हम गए थे शाह नजब इमाम बारगाह, सो वो तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पुरसा बहुत अच्छा हुआ था। सो चलें अब हम अंदर चलते हैं और करते हैं अपने काम फटाफट से ख़त्म, ताकि फिर हम मजलिस में लेट ना हो जाए। जो उस दिन मैं लॉन्ड्री करके आई थी वो अभी तक मैंने आयरन नहीं की, तो आज इंशाल्लाह वापस आके ये भी काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी मजलिस में जाने के लिए। यहाँ पे से जाएंगे अब हम मजलिस में और उसके बाद आज हम जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि 5 o'clock पर अलखुई की मजलिस ख़त्म हो जाएगी। बस वेदर देखिए कितना ज़बरदस्त। और ये मैं खड़ी हूँ बाहर वेट कर रही हूँ मजलिस ख़त्म और हम दूसरी मजलिस की तैयारी में। और ये सारे हम एक जैसे पाकिस्तान में ऊपर बैठ के जाते हैं ना, उस तरह जा रहे हैं। यहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन हम जा रहे हैं कि बस ये आखिरी दिन है, तो कोई नहीं ऐसे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना काफिला तैयार हो रहा है कर्बला का। वेदर देखें, बारिश फिर से शुरू हो गई। अभी सुबह ही मैं कह रही थी कि बारिश नहीं है आज, और आज फिर जो है वो बारिश हो गई। और आज तबरुक में हमें मिला है समोसा आलू वाला, तभी गाड़ी में बैठ के खाएंगे समोसा। और ये मौसम के हिसाब से मिला। चलें भाई अब घर जा रहे हैं और मजलिसें ख़त्म, आना जाना भी ख़त्म, अब आराम सुकून से घर में बैठे। गए हैं घर वापस, मजलिस से ख़त्म सारे। और ये देखें ज़रा बिल्कुल सन्नाटा, और ये शाम का टाइम हो रहा है, कोई इतनी रात और सुबह नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं नज़र आता। चलें अब हम चलते हैं अंदर। और घर आने के बाद अब बज गए 7 और मेरा दिल चाह रहा है कुछ खाने का, बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाऊँ। तो अब देखते हैं कुछ खाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। दिमाग चलाने के बाद समझ में आया जो उस दिन कटलेट मैंने बनाया था वो बच गया हुआ था फ्राई, वो तो मैंने माइक्रो में थोड़ा सा इसको डिफ्रोस्ट किया, और अब इसको करते हैं ऑयल के अंदर फ्राई, और ताकि ये मोर क्रिस्पी। अभी मोबाइल जाते हैं और फिर से ऑयल के अंदर कटलेट, अब ये थोड़ा सा क्रिस्पी होगा तो मज़े का हो जाएगा। और ये देखें जनाब, यहाँ पर कैसे ज़बरदस्त सा क्रिस्पी है वो होने लगा है, एक साइड से हो गया और किसी साइड से हो रहा है। थोड़ा तेज़ फ्लेम पे करें, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है, मैं बस क्रिस्पी करने के लिए कर रही हूँ। मेरा तो हो गया, ये बन गया, गर्म भी हो गया, और अब मैं ये खाती हूँ। ठीक है, आगे हम वापस अपने किचन में। कल फिर मैंने कटलेट खाने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, फिर मैंने बस अपने काम शाम समेत हो दिया। तो आज बारी आती हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का को, बनाने लगी, मसाला लगा के रखने लगी हूँ, रात को हम मैं बनाऊँगी इसको। तो ये मैंने ले ली है चिकन टिक्के के लेग पीस, लाइक ऐसे कटे हुए। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कट्स लगा के मैंने रख दिए, अब मैं आपको आगे रेसिपी शेयर करूँ। मैंने दही ले ली है, थोड़ी सी दही ली है, 3-4 टेबल स्पून के अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं,
अच्छा लाइट कर लिया तो अब ज़्यादा सही नज़र आ रहा है। दही के अंदर मैंने जस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है अभी। इसके बाद अदरक लहसुन डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून जो है वो क्रश ब्लैक पेपर और हाफ ही सॉल्ट, क्योंकि हम डब्बे का भी मसाला यूज़ करेंगे थोड़ा घर का, सो सॉल्ट देख कर। और ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ठीक है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला, ठीक है। अब ये सारे मसाले ऐड हो गए, अब इनको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और इसमें थोड़ी सी वो देगी लाल मिर्च जो होती है ना वो ऐड करेंगे, जिससे चिकन टिक्के का कलर बहुत नाइस। इसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा शान टिक्का मसाला भी ऐड करूँगी, ठीक है। सारे मसाले इसके अंदर ऐड हो गए और लेमन हम लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे। मैं अच्छे से इसको अगर मिक्स करती हूँ, फिर चिकन को लगाते हैं मसाला और फिर हम रखते हैं इसको फ्रिज में। पूरी भी थी कि हमें इसके अंदर रेड क्रश जो है वो रेड पेपर भी ऐड करने से, तो मैंने ऐड कर दी है। अब आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ तो फिर लगाएंगे हम चिकन को, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए और लम्स बिल्कुल नहीं है। तब हम लगाने लगे हैं चिकन को, चिकन को ऑलरेडी जो है वो कट्स लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब बस हम इसमें लगाते हैं मसाला, अच्छे से लगाएंगे और इसको एक साइड पे रखते जाएंगे। दूसरा पीस लिया, उसको लगाया, तो ये मैंने इसको सारे मसाले लगा के अच्छे से मिक्स करके रख दिया। लेमन नहीं था मेरे पास तो मैंने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मिक्स करके फॉइल लगा के अब इसको हम रख देंगे 5-7 आवर्स के लिए, तो उसके बाद हम बनाएंगे। और यहाँ पर बन रहा है फेंटोस, यहाँ पे अब मेरी चाय जो है वो बनने लगी और ये बन रहा है पौने दो, और ये मेरी सुबह की चाय है जो अपने बैठ के आराम और सुकून से पीने वाली। अब मेरी बारी आई है चाय पीने की और ये टाइम हो गया 2:15, अब मैं अपनी सुबह की चाय पीने वाली हूँ। और आज मैंने अलमारी से ये अपने सारे जो हैं वो काले कपड़े निकाल दी हैं और यहाँ पे ले आई हूँ मैं सर्दियों वाले कपड़े। तो अब ये पहले काले कपड़े रखेंगे और फिर लगाएंगे अलमारी के अंदर ये सर्दियों वाले कपड़े। सारे समेट लिए हैं और अब बारी आती है ये समर वाले कपड़े भी रखने की, तो ये मैं अब अपने हस्बैंड के जो है वो रख रही हूँ। ये मैंने कुछ शर्ट्स फोल्ड भी कर लिए, बाकी करती हूँ। तो याद आ गया कि आज मीठा भी बनाना है तो पहले जाके किचन में, और ये मेरे कमरे का ज़रा हशर देख, सारी क्लोजेट्स खुली पड़ी हैं और सारे काम होने वाले हैं। तो हो गए 4:30 और मैं आ गई हूँ किचन में अपने कमरे को छोड़ छाड़ के कि ये बना लूँ ताकि ये ठंडा भी हो जाए। तो अब हम बनाने लगे हैं कस्टर्ड, और कस्टर्ड बनाने के लिए मेरे पास है मैंगो, मैंगो फ्लेवर, और साथ में हम बनाते हैं ये जेली। कस्टर्ड पाउडर मिक्स के लिए बहुत सारे लोग जो है वो दूध में करते हैं, मैं पानी में करती हूँ, पता नहीं क्यों शुरू से बस पानी में किया, इसलिए पानी में कर लिया। आपकी चॉइस होती है, आप जिसमें मर्जी कर लो, मैं पानी में करती हूँ इसलिए मैं पानी में कर। ओके, हमारा दूध हल्का हल्का सा गर्म, हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर ताकि दूध एंड कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो एक साथ ही पक जाए। और आज हल्की फुल्की सी जो है वो धूप भी निकल आई है। हमने कस्टर्ड पाउडर, और अब हम इसको कुक करते हैं, थोड़ा स्लो फ्लेम करते हैं ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से कुक हो जाए। अभी तो देखें कितना वटरी वटरी है। और यहाँ पे बन गई हमारी जेली डन। लास्ट में जो है ना, अब अपने इसमें शुगर ऐड कर दी है और ये थोड़ा और कुक होगा। अब इसको रखने लगे हम फ्रिज में। जब मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, अब मैं इसको रखने लगी हूँ। ये देखिए, और ये जो चिकन का पानी है अभी इसी पानी में कुक होगा हल्का हल्का। ये अब इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा घी, डालेंगे ऑयल नहीं लेना हमने। घी है वो गर्म हो गया, अब मैंने इसके अंदर स्लो फ्लेम कर दिया और थोड़ा सा डालना था, ज़्यादा नहीं। तो अब ये चिकन के पीसेस को रखते हैं, रखने हैं तो मैं 2 जो है ना पैन के अंदर रख रही हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर जितने आ गए सही से उतने रखें अब बस। और यहाँ पे हो रहा है 650, तो अब मैं इसको ओपन करूँगी 720 पर ताकि ये इसी स्टीम में पकना शुरू हो जाए। बाद मैं आ गई यहाँ पे अपने जो उस दिन लॉन्ड्री की थी, मेरे ख्याल है इतने सारे दिन हो गए थे तो अभी तक मैंने आयरन नहीं की थी, तब मैं यहाँ पे कर रही हूँ आयरनिंग। और बस ये लास्ट रह गई, बाकी ये सारे पड़े हैं जो हो गए हैं आयरन। और ये एसी भी पार के रख दिया है, क्योंकि अब ये जाएगा गैराज पे। और अब हीट ऑन हो गई है,
तो यहाँ पर सारे कपड़े हो गए हैं आयरन, कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ ये रहे और कुछ ये रहे। बस अब आयरन हो गया, अब इनको उठा के समेटते हैं और इसके बाद अब चलते हैं किचन में खाना बनाने के। खाना तो ऑलमोस्ट रखा हुआ है, रोटियाँ बनाते हैं चल के, चूँकि बच गए हैं। और ये देखिए जनाब, जो चिकन को मैंने रखा हुआ था ना, इसने खूब पानी छोड़ा है अपना चिकन में। अब हम इसका चूल्हा थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि ये पानी खुश्क हो, और वरना हमारा चिकन टूट जाएगा अगर मोर स्लो फ्लेम पे बनाया तो। तो अब ये मैं फ्लेम मैंने बिल्कुल तेज़ कर दी दोनों की सेम। अब देखते हैं मैं चिकन थोड़ा सा ले के चेक करती हूँ इसका टेस्ट, अगर ये फीका है या अनकुक तो खैर है नहीं, क्योंकि ए सी स्टीम पका, अभी और पकेगा लाइक इसका पानी खुश्क होगा तो ये हो जाएगा। अगर ये रखा हुआ और इधर ये, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको एक ही तवे पे करके, और फिर वो बारबेक्यू वाला जो फ्लेवर आता है वो वैसे आएगा, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और अभी मैं इसका नमक मिर्च चेक करती हूँ, अगर फीका होगा तो फिर लाइक इस स्टेज पर जो है मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड करूँगी। रोटियाँ और ये जो चिकन है और ये टूट गया मुझसे थोड़ा सा जनाब। तो अब बारी आती है जो फाइनल उसका स्टेप है ना, मैंने चिकन को यहाँ से पकड़ के यहाँ रखती हूँ, मतलब इसका पानी नहीं होना चाहिए, ये मैंने साइड पे कर दिया ठीक है। और ये ऐसे रखें, आपके पास अगर ये वाला तवा नहीं तो आप नॉर्मल तवे पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही तवा हो। और ये जो इसका पानी है ये मैंने ऐसे लिया और ये ऊपर से ऐसे डालते रहे, तो ये मुझे डाल के और बहुत अच्छे बने ठीक है। मैं सारा पानी डालू, मैंने इसको डाल दिया सारा, और मैं इसकी साइड थी चेंज करती हूँ ठीक है। टेस्ट की जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, आप इसको फ्राई के अंदर फ्राई भी कर सकते हैं तो वो एक चर्जे वाला लुक हो जाता है ठीक है। मैं इसको ऐसे रखे और देखो मैंने लो फ्लेम पे रखा है, लो वगैरह खा के हम हो गए फ्री, और सबको बहुत मज़े का लगा खाना, बहुत मज़े का बना हुआ था, सबने बोला बेस्ट बेस्ट वेरी गुड वेरी नाइस सर, अच्छा था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खुद ट्राई करके लीजिएगा। अब हम यहाँ पे धोते हैं अपने बर्तन और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करते हैं आप सबसे। काम से मैं हो गई हूँ फारिग, अब बस आप लोगों से कहते हैं गुड बाय। और गुड बाय करने से पहले आज आप सबको नौ रबी अव्वल, ईद शुजा और ताजपुर जी इमाम ज़माना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का भी करते हैं एंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें आप सबका थैंक यू, मुझे इसी तरह आगे भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। और आप सब रखिएगा अपना बहुत ख्याल, और इसके साथ ही अब अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। Thank you, thanks for watching, bye, Allah Hafiz, good night.